नमस्कार, लोकसभा टीवी के विशेष कार्यक्रम इंद्रधनुषीय संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीप्ति दुबे। पंडित जसराज एक ऐसे विलक्षण कलाकार जिन्होंने शास्त्रीय संगीत को न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग जगह दिलाई। उन्होंने अपने गायन से बहुत कुछ ऐसा किया है जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। पंडित जसराज के निधन के बाद देश विदेश की अनेक हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में जाने माने सुप्रसिद्ध शहनाई वादक और उनके शिष्य लोकेश आनंद और जानी मानी लेखिका सुनीता बुद्धिराजा ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसे 9 भागों में बांटा गया है, जिसके जरिए उनके परिवार, उनके संबंधी और उनके शिष्यों के अलावा उनके प्रशंसक भी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अगन मोझे समझाव कान तुम अगन मोझे समझाव। जीवन में कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिनको मन मानता नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि उसको मानना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ मेरे परम मित्र पंडित जसराज जी के बारे में। क्या बताऊँ उनके बारे में, मेरा उनसे जो संबंध था 65 बरस से ऊपर हो गए। ये एक ऐसा रिश्ता जो जीवन भर चला, तो ये मेरी पर्सनल बात है। लेकिन उनके बारे में जो मैं बात करूँगा, ऐसे कलाकार, ऐसे गायक, उनका जो योगदान है हमारे संगीत में, शास्त्रीय संगीत, उनको इतना उन्होंने तपश्चर्या की है उसके पीछे कि 3 सप्तक के ऊपर उनकी रेंज थी गाने की। और जो उन्होंने रिसर्च किया इसमें शास्त्रीय संगीत में, बहुत बड़े बड़े कलाकार पहले हो चुके हैं, लेकिन राग की क्या मूड है, राग की क्या शक्ल है, उसमें कौन से शब्द उसके साथ मिलाए जाएंगे तो वो जो राग है उसकी सुंदरता कितनी अधिक बढ़ जाएगी। ना केवल शास्त्रीय संगीत समझने वाले लेकिन आम लोग भी उससे जुड़ जाएंगे। और उनके गाने में हर प्रकार का रस था, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ वो रस राज थे जो उनको उपाधि मिली भी थी, बिल्कुल सही थी। और ऐसे कलाकार बहुत मुश्किल कभी कभी आते हैं इस पृथ्वी पर, वो चले गए हैं लेकिन वो हमारे साथ हैं, उनका संगीत हमारे साथ है, पूरी विश्व में उनका संगीत छाया हुआ है और छाया हुआ रहेगा। बाको जा जा सुना दिव्य पुरुष लोग संसार में कभी हजारों साल में आते हैं और ये विरले होते हैं। संगीत जगत में मानव जाति के लिए कुछ करने के लिए आते हैं और प्रेम रस की गंगा बहाने के लिए आते हैं। तो ऐसे संत पुरुष ही जब ज्योत से ज्योत मिलता है तो इस तरीके से वो शरीर त्याग करते हैं जैसे बापू ने किया। बस कुछ सेकंडों में शरीर छोड़ देते हैं। बापू का ये गायन और ये आध्यात्मिक संदेश सिर्फ उन्हें, उनके शिष्यों को ही नहीं, हजारों भक्तों को ही नहीं, हम सबको प्रेरणा देते रहेंगे। तो ये हरदम जीवित रहते हैं क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, और इनका जो संदेश है, प्रेम का संदेश, भक्ति का संदेश, मानवता का संदेश, वही उनका संगीत है और वही उनके संगीत में नजर आ रहा है। गुरुजी मुझे प्यार से लोकेशानंद पुकारा करते थे। गुरुजी के निकट रहने के साथ मैं जितना भी उनके साथ समय गुजार सका, उनके साथ मेरा अनुभव व शिक्षा का जो दौर चला वो बहुत ही मधुर यादें हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।
शहनाई जैसे कठिन वाद में वो ऐसे सिखाते थे जैसे कि वो स्वयं भी शहनाई बजाते हों, और इस कठिन बात को मेरी शहनाई को एक अलग रूप देना, उसमें एक गायन शैली भर देना, ये गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने सिखाते हुए तालीम देते हुए कभी भी मेरा उत्साह नहीं तोड़ा, और इतनी आयु में भी जब मैं सीखने बैठता था तो चार चार पाँच पाँच छः छः घंटा वो सिखाया करते थे। गुरुजी सितारा बनकर तो बर्मा में विराजमान हैं ही, साथ ही मैं विश्व में उनके संगीत के माध्यम से स्वयं वो हमारे दिलों में विराजमान हैं। गुरुजी की कृपा हम शिष्यों और उनके सभी चाहने वालों पर बनी रहे, और मुझे हर जन्म में गुरुजी ही प्राप्त हों, ये मेरी ईश्वर से कामना है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनसे सीखने का मौका मिला, अवसर मिला। ये उनका बढ़प्पन है कि उन्होंने इतना समय दिया। मैं उनके पास सीखने गई थी तब छोटी थी, फिर भी उन्होंने बहुत मन से सिखाया, और उन्होंने जो तालीम मुझे दी है वो मेरे लिए बहुत अनमोल है, बहुत प्रेशियस है। उन्हीं की कृपा से आज संगीत का मेरा सफ़र जारी है। आज वो हमारे बीच नहीं है ऐसा कहना है, लेकिन उनके संगीत के ज़रिए वो हमेशा हम सबके दिल में है। उनका जो स्थान है वो बहुत बड़ा है, और बहुत बहुत ही महान गायक के साथ वो बहुत कमाल के इंसान थे, बहुत केयरिंग, बहुत शेयरिंग थे। मैं गुरु जी को शत शत नमन करती हूँ। पाह सखी जन मिले ऐसे जिंदा दिल इंसान, ऐसे जिंदा दिल कलाकार बहुत कम ही पैदा होते हैं। उन्होंने पूरे मेवाती घराने को बहुत पॉपुलर किया, पूरे दुनिया में उसको लोकप्रिय बनाया। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है और हम लोग बहुत छोटे हैं। उनके जाने से मैं समझता हूँ कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को बहुत बड़ी क्षति हुई है जो कि अपूर्णीय है। उनका गाना इतना मधुर और विद्वत्ता लिए हुए था, कोई भी ताल, कोई भी राग, किसी प्रकार की तान, गमक, ध्रुपद पर आधारित उनका गाना बहुत था। ध्रुपद से उन्होंने बहुत, ध्रुपद को बहुत अपनाया, और उनको ख्याल गायकी में स्थान देके एक नई दिशा दिखाई, क्योंकि इतना जीवंत व्यक्तित्व था उनका कि अगले आदमी को ये महसूस नहीं होता था कि इतने बड़े कलाकार के साथ हम बैठे हुए हैं। दुर्गा जसराज जी ने जो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया था पंच तत्व, उसमें मैं भी एक तत्व था, और पंडित जी का आशीर्वाद हमेशा साथ में रहता था। वो स्टेज पे भी आते थे, कई बार कई शहरों में पंच तत्व के शो हुए, और उनके साथ में उनके सानिध्य मिला, मुझे बड़ा सौभाग्यशाली हूँ मैं। मेरी उनको विनम्र श्रद्धांजलि, और वो अमर हैं और अमर रहेंगे। पंडित जी जिनको मैं गुरु जी कहती हूँ, उनके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, मैं जो भी कहूँगी वो छोटी ही बड़ी बात ही होगी। पंडित जी बहुत बड़े हस्ते हैं, और गुरु जी को मैं मिड 70s में मैं मिली थी, और जब मुझे काम कहानी सुनने पड़ी आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सिंग फॉर दैट थिंग, एंड देयर वाज स्प्लेंडेड, एब्सोल्युटली स्प्लेंडेड सॉन्ग्स, एंड द क्राउनिंग पॉइंट वाज माय सावरी मियाजी। एंड सब्सिक्वेंटली आई यूज्ड टू गो टू शिवाजी पार्क, and I spent a few months, I was able to learn music and voice culture from him for a few months, and those are very, very precious memories for me. And subsequently, later on, much later, I also sang a couple of compositions for him for Pete Goren. And then once I got married, my husband did a few concerts with him. There was some, for our festival, there were spiritual dialogues that happened. So in this process, you know, he has been like later brother for my husband, and for me he has always been Guruji, somebody whom I've admired, not only for his singing but for his very, very gracious presence and his profound spirituality. I've heard him singing in Sota Kanchan Temple, and any time he sings
I won't say he has to sing Hindi and Hindi, whatever he sings. There is so much of spirituality in his music that it has always touched me and elevated me. Today, it's a great loss for all of us. But I feel that he's with us. He's going to be with us all our lives. And wherever he is, I hope he continues guiding us in this path of music. And may his soul rest in peace. Yeah.